तो आपकी राशि कितनी हो गई? अब कितनी हो गई? अब 11,000 को आपका कितना देना पड़ेगा? 11,000 का 10%, 11,000 का 10% कितना होता है? अरे कितना होता है? 1100। क्या दोनों साल का ब्याज बराबर है क्या? ये जो 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, ये कौन से मिले, कोई बता सकते हो? 20,000 रुपए। तो ब्याज का भी ब्याज किसमें होता है? टोटल ब्याज कितना हो गया यहाँ पर? कितना हो गया? क्योंकि 1100 ये और 1000 ये, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना पड़ेगा आपको? और अगर साधारण ब्याज होता तो कितना देना पड़ता? कुछ आया समझ में? या फिर भाई आपने एक रट रखा होगा, क्या रट? ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन करते हो आप, करते हो या नहीं करते हो? इस मिश्र धन का आपको एक फॉर्मूला बताया होगा, मूलधन एक तो 1+r बटे वा, और यहाँ पर समय माइनस क्या लिखना था वापस? बी। ये वाला तरीका अच्छा है या वो वाला तरीका अच्छा है? अब इससे भी करके देखो कितना टाइम लगता है। मूलधन कितना है आपका? अरे कितना है? दर कितनी है आपकी? बटेवा में क्या हो जाएगा? टाइम कितना है? वापस इसमें से क्या घटाना है आपको? मूलधन घटाना है। करो इसको सोल आगे, 10,000 क्या रह जाएगा? ऐसा का ऐसा, 100 का गुणा किससे? उसमें क्या जुड़ जाएगा? कितना हो गया? बटेवा 100। कितनी बार माइनस क्या लिखोगे? 2 जीरो से ऊपर कितना बचा? 110 इंटू माइनस कितना आएगा? 11 और 11 का गुणा माइनस ये सही है 12,100। अब माइनस कर दो कितना बचा? देख लो दोनों तरीके में जो भी अच्छा लग रहा हो, कौन सा सीखना चाहोगे आप? फर्स्ट वाला समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपसे क्या मिस्टेक हो सकती थी? कैलकुलेशन की भी हो सकती थी, और इतनी जगह होती है क्या एग्जाम में आपके पास सॉल्व करने के लिए? नहीं होती है ना। तो ये दोनों तरीके, ब्याज का ब्याज गिन लो या फिर ये तरीका रखो। अरे आया कि नहीं आया समझ में? कितने तरीके हो गए अभी तक अपने पास? एक दो साल के लिए आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं करना हो तो ये वाला कर लो। अगर आपको कौन सा ब्याज निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, कौन सा फॉर्मूला याद रख लो आप? ये वाला 2r/r² ये किसके लिए होगा? सिर्फ और सिर्फ दो साल के लिए अगर आपको क्या निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो। कैसे? दर कितनी है आपके पास? अरे दर कितनी है? 10%। कितना लिख दो यहाँ पर? 10 लिख दिया। अब r का स्क्वायर करना, मतलब दर का क्या करना है आपको? 10 का गुणा 2 से कितना होता है? 20 होता है। स्लैश लगाया, 10 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ अपने को पीछे से चलना, और सिर्फ संख्या कितनी रखनी है? 2। बचे जो भी वो किसमें जोड़ दो? आगे वाली संख्या। कितना परसेंट बन गया आपका? 21%। ये चक्रवृद्धि ब्याज उस राशि का आपको कितना परसेंट मिलेगा और किसका मिलेगा 21%? तो 10,000 का क्या निकालोगे आप? 21% बटे 100 कितना आया? 2100 रुपए। ये वाला तरीका भी है आपके पास, आया समझ में? अरे बोलो तो सही। एक और तरीका देख लो, कितना परसेंट है? 10% को कभी भी आप सवाल में ऐसे ही लिखते हो ना, इसके अलावा लिखने का आपके पास कोई नया तरीका है क्या परसेंट को लिखने का? नहीं है ना। 10 से कितना कट गया? 1 साल के अंत में 10 रुपए आपके कितने हो जाएंगे? अरे कितने हो जाएंगे? दूसरे साल में वापस 10 रुपए कितने होंगे? यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी 10 और 10 कितना होता है? 11 और 11 121। मतलब 100 रुपए पे आपको ब्याज कितना मिल रहा है? ये 121 ब्याज है या मिश्र धन? ब्याज कितना मिला सिर्फ आपको? 21 की वैल्यू निकालनी। 100 की वैल्यू आपके पास कितनी है प्रश्न में? 10,000 आपको किसकी निकालनी है? 21 की। 10,000 बटे वा क्या करो? 100 इंटू क्या कर दो? वापस आया या नहीं आया? तो ये तीनों तरीके आप कितने हो गए? 4 तरीके हो गए। लेकिन एक अंतिम तरीका और है, वो भी सीखना है क्या आपको?
इतने तरीके समझ में आने के बाद फिर भी नहीं आ रहा है तो समझ गए नहीं समझे? समझ जाओगे, ये आपके पास अंतिम तरीका है ना। फिर अगर गलत अच्छा होगा तो सही हो जाएगा, नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। बाकी ये चार तरीके आपके पास है तो बताओ सबको कौन सा तरीका अच्छा लगा, वही तरीका सीखेगा। फर्स्ट वाला, कौन सा वाला?